हेलो राइडर्स, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 125 सीसी के सेगमेंट में आने वाली टॉप 4 अपकमिंग बाइक्स के बारे में, जो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 2024 में लॉन्च होने वाली है। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम पे 125 सीसी एक ऐसा सेगमेंट है जो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, और इस सेगमेंट में आपको काफी ज्यादा फीचर्स और पावर देखने के लिए मिल जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि ये सभी बाइकें इंडिया में कब तक लॉन्च होगी, इन बाइक का प्राइस क्या होगा, इन बाइक में आपको क्या कुछ फीचर देखने के लिए मिलेगा, सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को स्किप या मिस बिल्कुल मत करना। मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं फोर व्हील। तो वेल दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4 वाली बाइक के बारे में, जो है टीवीएस की फेरो 125। दोस्तों टीवीएस कंपनी ने इंडिया में टीवीएस की फेरो 125 को 2018 में होने वाले ऑटो एक्सपो में दिखाया था, और तब से लेकर इस बाइक का आज तक काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों टीवीएस कंपनी ने इस बाइक का जो प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट डन कर दिया है, और ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है। अगर हम बात करें दोस्तों बाइक के लुक के बारे में, तो बाइक का जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम होने वाला है। बाइक के फ्रंट में आपको एलईडी हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा, बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको एलईडी में देखने के लिए मिलेंगे, और बाइक के रियर में आपको एलईडी टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों अगर बाइक के मीटर कंसोल के बारे में बात करें, तो बाइक में आपको राउंड शेप का डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम होने वाला है। ओवरऑल बाइक का जो लुक है दोस्तों बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। बाइक में आपको रेट्रो प्लस मॉडर्न लुक का काफी बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बाइक के ब्रेकिंग सेटअप के बारे में बात करें, तो बाइक में आपको सिंगल डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल एबीएस का फीचर देखने के लिए मिलेगा। सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें, तो बाइक के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन देखने को मिलेगा, और बाइक के रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक में आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बाइक के इंजन के बारे में बात करें, तो बाइक में आपको 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों बाइक की जो टॉप स्पीड है वो आपको 110 किलोमीटर पर आवर तक देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक आपको E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा, जो कि B6 फेज 2 वाला इंजन होने वाला है। दोस्तों अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में बात करें, तो ये बाइक आपको 1,10,000 के प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल हो जाएगी इंडिया में। अगर हम इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करें, तो ये बाइक आपको 2024 के मिड में देखने के लिए मिल जाएगा। करेगा नंबर 3 वाली बाइक के बारे में, तो वह बजाज के पल्सर N125। इस बाइक को भी टेस्टिंग के दौरान देखा गया था, जिसमें जो इस बाइक की जो डिटेल है वो भी लीक हो चुकी है। सबसे पहले बात करें इस बाइक के लुक के बारे में, तो बाइक का जो लुक है पहले के मुकाबले काफी ज्यादा शानदार होने वाला है। सबसे पहले बाइक के फ्रंट लुक के बारे में बात करें, तो बाइक के फ्रंट में आपको एलईडी हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा, बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको एलईडी में देखने के लिए मिलेंगे, और बाइक के रियर में आपको एलईडी टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। इसी के अलावा बाइक में आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। अगर हम बाइक के ब्रेकिंग सेटअप के बारे में बात करें, तो बाइक में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक में आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बाइक के इंजन के बारे में बात करें, तो बाइक में आपको 125 सीसी का 4 स्ट्रोक 2 वोल्ट DTSI इंजन देखने को मिलेगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 12 BHP का, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा 11 Nm। इसी के अलावा बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ राइडिंग मोड और USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया जाएगा, जिससे आप अपना फोन वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। अगर हम बाइक के सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें, तो बाइक के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क और बाइक के रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक आपको E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा, जो कि BS6 फेज 2 वाला इंजन होगा। अगर उस बाइक के प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में बात करें, तो ये बाइक आपको 1,20,000 के प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल हो जाएगी इंडिया में। अगर हम इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करें, तो ये बाइक आपको 2024 के अगस्त में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बात करें अगली बाइक के बारे में, तो वो है कावासाकी की Z125। ये बाइक KTM की नेक्स्ट जनरेशन 125 को टक्कर देने के लिए आएगी। कावासाकी कंपनी इस बाइक में बहुत ही सारे फीचर्स प्रोवाइड करवाने वाली है, और इस बाइक का लुक दोस्तों आपको Z900 से इंस्पायर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता है, मैं बता दूं कि इस बाइक का प्राइस आपको 1,40,100 देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जो लोग कावासाकी बाइक परचेस नहीं कर पाते हैं बजट की वजह से, वो लोग इस बाइक को डेफिनेटली परचेस कर पाएंगे। दोस्तों बात करें सबसे पहले इस बाइक के लुक के बारे में, तो बाइक का जो लुक है वो आपको कावासाकी Z900 से इंस्पायर्ड देखने को मिलेगा, जो कि इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा प्रीमियम बाइक होने वाली है। बाइक के फ्रंट में आपको एलईडी हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलेगा, बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको एलईडी में देखने के लिए मिलेंगे, और बाइक के रियर में आपको एलईडी टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, तो बाइक में आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा शानदार होने वाला है। बाइक के अगर फीचर्स के बारे में बात करें, तो बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ राइडिंग मोड और USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया जाएगा। और दोस्तों बाइक के अगर सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें, तो बाइक के फ्रंट में आपको 41mm के टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन देखने को मिलेगा, और बाइक के रियर में आपको एडजस्टेबल प्रीलोडेड सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। ब्रेकिंग के बारे में बात करें, तो बाइक में आपको डुअल डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल ABS का फीचर देखने को मिलेगा, जो कि अगर आप बाइक को टॉप स्पीड पर भगाते हैं, तो आपको ब्रेक मारने में डर ना लगे। और दोस्तों सबसे मेन है इंजन, जो कि बाइक में आपको 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 15 BHP के, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा
11.7 न्यूटन मीटर। बाइक में आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा और दोस्तों इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलेगा। दोस्तों बाइक का जो लुक है बहुत ही ज्यादा शानदार और बहुत ही ज्यादा प्रीमियम होने वाला है। बाइक आपको E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा जो कि BS6 फेज 2 वाला इंजन होगा। अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 1,40,000 के एक्सरूम प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी इंडिया में। अगर हम इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक 2024 के थर्ड क्वार्टर में देखने के लिए मिल जाएगा। बात करें नंबर एक वाली बाइक के बारे में तो वो है यामाहा की MT125। यामाहा की MT125 इंडियन मार्केट में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। जो लोग MT15 नहीं ले पाते हैं बजट की वजह से, वो लोग MT125 डेफिनेटली परचेज कर पाएंगे क्योंकि इस बाइक का जो ऑनरोड प्राइस है वो 1,40,000 के अंडर में रहने वाला है। और इतने प्राइस में बाइक में आपको बहुत ही सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं इस बाइक में। ये यामाहा कंपनी की फर्स्ट 125cc बाइक होगा, इसलिए ये डेफिनेटली इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा। और यामाहा कंपनी के पास अभी कोई भी 125cc की बाइक नहीं है जो अदर बाइक कंपनी को टक्कर दे सके। बात करें बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में तो बाइक में आपको डुअल डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल ABS का फीचर देखने को मिलेगा, 140 सेक्शन का रियर टायर होगा और बाइक में आपको 125cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve लिक्विड कूलिंग इंजन देखने को मिलेगा जो कि 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आएगा। बाइक के अगर मीटर कंसोल के बारे में बात करें तो बाइक में आपको TFT डिस्प्ले वाला कलरफुल मीटर कंसोल देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर प्रोवाइड कराया जाएगा। बाइक के अगर पावर के बारे में बात करें तो बाइक में आपको 12 BHP की पावर और 12 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा। अगर हम इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 2024 के सितंबर में देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों आपको इन सभी बाइक में से कौन सी बाइक अच्छी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाना। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन